क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब उस बंदे को भी पता है जिसका फुटबॉल से दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो, क्योंकि दुनिया भर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस की संख्या सबसे ज्यादा है और इंडिया में भी रोनाल्डो के करोड़ों फैंस है। तो दोस्तों, आपके फेवरेट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या वजह थी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की माँ उन्हें जन्म ही नहीं देना चाहती थी, और साथ ही आपके वो सारे क्वेश्चंस जो अक्सर आप कमेंट्स में पूछते रहते हैं और सर्च करते हैं। तो इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। मगर उससे पहले दोस्तों, रोनाल्डो के सभी फैंस इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी 1985 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म मडेरा की राजधानी फंचल पुर्तगाल में हुआ था, जहाँ रोनाल्डो के पिता जोस डेनिस अवीरो नगर पालिका में माली का काम किया करते थे और रोनाल्डो की माँ मारिया डोलेरस एक हाउसवाइफ थी। रोनाल्डो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और उनके पिता अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के फैन थे, इसीलिए उनके नाम पर रोनाल्डो का नाम रखा गया। वैसे रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस अवीरो है और बचपन से रोनाल्डो सिर्फ एक ही चीज के दीवाने थे, वो है फुटबॉल। और रोनाल्डो पर फुटबॉल का ऐसा भूत सवार था कि स्कूल से आने के बाद रोनाल्डो अक्सर अपनी माँ से झूठ बोलकर फुटबॉल खेलने भाग जाया करते थे। लेकिन वहीं रोनाल्डो के पिता को शराब पीने की लत थी, जिस पर वो अपनी सारी सैलरी खर्च कर देते थे। इसी वजह से उनकी फैमिली आर्थिक तंगी से गुजरती थी, यहाँ तक कि रोनाल्डो की माँ को दूसरों के घरों में खाना बनाना और सफाई भी करनी पड़ती थी। और ये सारी मुसीबतें रोनाल्डो के हिस्से में ना आए इसीलिए उनकी माँ उन्हें जन्म नहीं देना चाहती थी और वो डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया। सोचो, उस दिन डॉक्टर के एक हाँ से दुनिया का सबसे मशहूर और महान खिलाड़ी इस दुनिया में जन्म ही ना लेता, लेकिन होनी को यही मंजूर था। और 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपने करियर का पहला मैच पुर्तगाल की स्पोर्टिंग सीपी क्लब के लिए खेला। स्पोर्टिंग और यूनाइटेड के बीच हो रहे इस मैच में रोनाल्डो की परफॉर्मेंस ने हर किसी को चौंका दिया और मैच के तुरंत बाद यूनाइटेड क्लब ने $17 मिलियन में रोनाल्डो को अपने क्लब में शामिल कर लिया, जिससे उनकी फैमिली बहुत खुश थी। लेकिन कुछ साल बाद 52 साल की एज में शराब पीने की वजह से रोनाल्डो के पिता की मौत हो गई और इसीलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी अल्कोहल नहीं पीते और इसका उन्हें काफी बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की असली ताकत उनकी फिटनेस है, जिसका वो फील्ड पर भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जैसे बॉल को तेजी से पास करना, क्रॉस करना और बॉक्स के पास जाकर खुद ही गोल कर देना उनकी खूबियों में से एक है। और सिर्फ खेल ही नहीं, खेल की दुनिया के बाहर भी रोनाल्डो एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि रोनाल्डो का नाम ही सबसे बड़ा ब्रांड है। यही रीजन है कि रोनाल्डो की गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स में होती है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग रोनाल्डो की एनुअल इनकम $115 मिलियन है, जो इंडियन करेंसी में करीब 905 करोड़ रुपए होते हैं। और साल 2022 में सबसे ज्यादा पेड एथलीट के मामले में रोनाल्डो तीसरे नंबर पर है। लेकिन जो भी हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए उनकी फैमिली ही सब कुछ है। रिसेंटली फरवरी 2023 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो 38 साल के हो गए हैं। वेल, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जैसे रोनाल्डो किस धर्म से है। तो गाइज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का धर्म कैथोलिसिज्म है, जो क्रिस्टियनिटी यानी ईसाई धर्म में ही आता है। नेक्स्ट, रोनाल्डो की टोटल कितनी संपत्ति है। तो दोस्तों, रोनाल्डो की टोटल नेटवर्थ $500 मिलियन है। रोनाल्डो की शादी हो गई और रोनाल्डो के कितने बच्चे हैं। गाइज, रोनाल्डो की अभी तक शादी नहीं हुई और रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं। वेल गाइज, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।